हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। समय हो चुका है 8 बजे और डेली 8 बजे आपको टाइम एंड वर्क की 0 to 0 बैच की क्लास मिल रही है, जिसमें आज 7th नंबर की क्लास है। इससे पहले 6 क्लास और करा चुका हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 151 है आपके सामने। इसमें क्या बोल रहा है कि अ मैन अ वुमेन एंड अ बॉय, मतलब मैन प्लस वुमेन प्लस बॉय किसी काम कितने दिन में कर सकते हैं, 3 दिन में। ठीक है, 3 दिन में। इफ़ अ मैन कैन अलॉन डू इट इन 6 डेज, मैन अकेला उस काम कर सकता है 6 दिन में। एंड अ बॉय कैन अलॉन डू इन 18 डेज, मतलब बॉय कर सकता है उसी काम को 18 दिन में। यहाँ से इन तीनों का एलसीएम आ जाएगा कितना, 18। 6 3 3 6 जाए 18, 6 3 जाए 18 और 18 बन जाए 18। ये आ गए तीनों की एफिशिएंसी। अब बात करते हैं अपन, देखिए मैन की एफिशिएंसी कितनी है, 3। बॉय की एफिशिएंसी कितनी है, 1। मैन की एफिशिएंसी है 3, बॉय की एफिशिएंसी है 1, और इन तीनों की टोटल एफिशिएंसी कितना है, 6। ठीक है, तो वुमेन की कितनी जाएगी, 3 1 4 माइनस कर देंगे 6 में, 6 में 4 माइनस करेंगे क्या बचेगा, 2। तो वुमेन की आ गई अपने पास एफिशिएंसी 2। ठीक है, टोटल काम है 18, वुमेन को करना है 2 की एफिशिएंसी से कितने दिन लगेंगे, 9 डेज। आसान सी बात है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 152 है आपके सामने। इसमें क्या बोल रहा है कि 3 मैन और 5 वुमेन कैन द वर्क इन 12 डेज। 12 डेज दोनों में आएगा, कट जाएगा, मतलब यहाँ से अपने पास एम अपॉन डब्ल्यू का रेशियो क्या आ गया, 5/3। ये आ गया इनकी एफिशिएंसी का रेशियो। ठीक है, अब अपन से क्वेश्चन में बोला है क्या कि 6 मैन प्लस 5 वुमेन कैन फिनिश द वर्क, तो अपन को इसके डे निकालना है। वर्क क्या है, वर्क है जो 3 मैन 12 डेज में कर रहे हैं, या फिर अपन इसको लिख सकते हैं 5 वुमेन जो 12 डेज में कर रहे हैं। यहाँ पे अपन एफिशिएंसी का रेशियो पुट कर देते हैं, एम की कितनी है 5, वुमेन की कितनी है 3, मैन की कितनी है 5। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे 6 5 जा 30 और 5 3 जा 15। ठीक है, ये आ गया इंटू डी, प्लस 3 5 जा 15 इंटू 12। ठीक है, यहाँ से इसको जोड़ लेते हैं, ये आ जाएगा कितना, 45 इंटू डी, और इधर से ये कट जाएगा क्या, 15 3 जब 45 होते हैं, 15 3 जब 45 और 3 से 4 टाइम्स ही कट जाएगा 12। तो डी इक्वल टू अपने पास क्या आ गया, 4। मतलब इनको 6 मैन को और 5 वुमेन को एक साथ काम करने में कितने दिन लगेंगे, 4 दिन लगेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 153 आपके सामने। इसमें क्या बोल रहा है कि 10 मैन और 20 वुमेन कैन 260 मैट इन 20 डेज, मतलब 10 मैन 20 दिन तक काम करते हैं तो कितनी मैट बनाते हैं, 260 मैन, या फिर और 20 बॉय 20 दिन तक काम करते हैं तो कितनी मैट बनाते हैं, 260 मैट। ठीक है, ये 0 से 0 काट दिया, ये 2 से कट गया 13 टाइम्स। ठीक है, तो एक मैन एक दिन में कितनी मैट बनाएगा, 13/10। ठीक है, और यहाँ से अगर इसकी निकालें, ये 0 से 0 कट गया, ये 2 से कट गया, ये कितना, 13। ठीक है, और बॉय की अगर बात करें तो एक बॉय बनाएगा एक दिन में 13/20 मैट्स। ठीक है, ये बात सबको समझ में आई। अब अपन से क्या बोला कि 8 मैन, ठीक है, 8 मैन कितनी मैट बनाएंगे, तो एक मैन कितनी बना रहा है, 13/10, तो 8 मैन कितनी बनाएंगे, 8 × 13/10, ये एक दिन में बना रहा है, इनको बनाना कितने दिन में, 20 डेज में, तो 20 प्लस क्या बोल रहा है, एंड लगा मतलब प्लस, और 4 बॉयज़, तो 4 बॉयज़ कितनी बना रहा है एक दिन में, 13/20, तो 20 डेज में कितनी बनाएगा, 20 ये नंबर ऑफ मैट्स मिलके बना देंगे ये। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये 0 से 0 कट गया, ये 20 से 20 कट गया। ठीक है, यहाँ से अपने पास क्या आ गया, इसको कर लेते हैं मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा कितना, 8 6 8 2 जा 16 और 16 3 जा 48 कैरी 4, 16 1 जा 16 4 20, 208। ठीक है, प्लस यहाँ से आएगा क्या, 52, दोनों को टोटल करेंगे कितना आ जाएगा, 260, मतलब 8 मैन और 4 बॉयज़ मिलके 20 डेज में 260 मैट बना सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 154 है आपके सामने। इसमें क्या बोल रहा है कि 3 मैन किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 6 दिन में कर सकते हैं, लेकिन क्या हुआ कि 2 डेज आफ्टर दे स्टार्टेड द वर्क, 2 दिन तक तो उनने काम किया, मतलब 3 मैन ने कितने दिन तक काम किया, 2 दिन तक, उसके बाद क्या हुआ, 3 मोर मैन ज्वाइन,
तो तीन आदमी और जुड़ गए, कितने आदमी हुआ, पहले तीन थे अब तीन और जुड़ गए, टोटल कितने हुए, 6 मैन। अपन से पूछा क्या है, हाउ मैनी डेज विल दे कंप्लीट द वर्क, यहाँ पर डेज बताना है अपन को कितने करेंगे, बस सबका क्वेश्चन सॉल्व हो गया अपना। यहाँ से काटा पीटी में डाल दो, एम से एम कट गया पहले तो, ठीक है ये 3 से 3 कट गया और ये 3 2 या 6 होता है, ठीक है। यहाँ से आ गया अपने पास क्या, 6 बराबर 2 प्लस 2D, और ये 6 में 2 माइनस हो गया, 4 बराबर 2D, और ये कट गया 4 2 टाइम्स D बराबर आ गया अपने पास कितना, 2, ठीक है। तो उनको कितने दिन लगेंगे, 2 दिन लगेंगे, आसान सी बात थी, ठीक है, सबको समझ में आई, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 155 है आपके सामने, इसमें क्या बोल रहा है कि फोर मैन, देखिए 4 मैन एंड 6 वूमेन, 4 मैन प्लस 6 वूमेन कैन कंप्लीट आवर के 8 डेज, ठीक है, वाइल 3 मैन कर सकते हैं एंड 7 वूमेन कैन कंप्लीट इट इन 10 डेज, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा अपने पास, मैन और वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो हो जाएगा, इसको काट देते हैं, ये 4 हो जाएगा, ये 5 है ना, 4 2 जै 8 और 5 2 जै 10, ये हो गया। यहाँ से आ जाएगा 4 4 जै 16, एम प्लस 6 4 जै 24, डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 3 5 जै 15, एम प्लस 7 5 जै 35, W 35 W, ठीक है, ये आ गया अपने पास। अब क्या इधर से जाएगा, एम इक्वल टू ये साइड जाकर माइनस हो जाएगा, 6 5 11 11 W, और यहाँ से एम और डब्ल्यू की एफिशिएंसी का रेशियो क्या आ जाएगा, एम और डब्ल्यू की एफिशिएंसी का रेशियो हो जाएगा 11 अपॉन 1, ठीक है, ये आ गई अपने पास एफिशिएंसी। अब क्वेश्चन में अपन से कब पूछा, हाउ मैनी डेज बिल 10 वुमेन कंप्लीटेड, ठीक है 10 वुमेन करना है, तो 10 × W × D अपन को बताना है बराबर, काम क्या है, तो काम है 4 × M + 6 W × 8, जो ये लोग कर पा रहे थे, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, W की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है, M की वैल्यू कितनी है 11, W की वैल्यू कितनी 1, ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 1 जै 10 D, ठीक है। यहाँ से 4 11 जै 44 + 6 × 5, ठीक है, ये 44 + 60 हो जाएगा क्या, 50 × 8 = 10 D, ये 0 से 0 कट गया और 5 8 जा आ गया 40, ठीक है। डे की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, 40, मतलब इनको कितने दिन लगेंगे, 40 डेज लगेंगे 10 वुमेन को कंप्लीट काम करने में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 156 है आपके सामने, इसमें क्या बोल रहा है, अ मैन अ वुमेन और अ बॉय कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 डेज 30 डेज एंड 60 डेज, मतलब एक मैन एक बॉय एक वुमेन और एक बॉय किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, मैन कर सकता है 20 दिन में, वुमेन कर सकती है 30 दिन में, और बॉय कर सकता है 60 डेज में। यहाँ से अपन एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम आ जाएगा 60 23 जै 60 32 जै 60 और 61 जै 60, ये आ गया इनकी एफिशिएंसी का रेशो। अब क्या करना है अपन को कि हाउ मैनी बॉयज मस्ट असिस्ट 2 मैन एंड 8 वुमेन एज कंप्लीट वर्क इन 2 डेज, ठीक है, तो 2 मैन काम करेंगे, 8 बॉयज काम करेंगे, 8 वुमेन्स काम करेंगी, ठीक है, प्लस एक्स बॉय मान लिए मैंने, नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं एक्स, ठीक है, काम करेंगे कितने दिन में, 2 दिन में काम करेंगे, टोटल काम कितना है 60, ठीक है। अब क्या करना, बस एफिशिएंसी की वैल्यू पुट कर दो, क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, ठीक है। तो एफिशिएंसी की वैल्यू पुट करते हैं, मैन की कितनी है 3, वुमेन की कितनी है, वुमेन की है 2 और बॉय की है 1, ठीक है, ये हो जाएगा 3 2 जै 6 और 18 2 जै 8 2 जै 16, 16 यहाँ से आ गया, 6 यहाँ से आ गया, प्लस एक्स बी बी की है 1, ठीक है, तो बचा अपने पास एक्स 2 = 30, और ये कट जाएगा इससे 30 बचेगा, ठीक है। यहाँ से ये आ गया 22 + x, 22 + x = 30, और यहाँ से x = क्या आ जाएगा, 30 - 22 जो कि क्या होता है 8, ठीक है, तो 8 अपना आंसर हो जाएगा, मतलब उनको 8 बॉयज असिस्ट करने चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 157 है आपके सामने, इसमें क्या बोल रहा है कि अ मैन और 2 वुमेन और 3 बॉय कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 88 डेज, देखिए एक आदमी को टाइम कितना लग रहा है, 88 डेज लग रहा है, अच्छा 2 वुमेन को टाइम कितना लग रहा है, 88 डेज लग रहा है, तो एक वुमेन को कितना टाइम लगेगा, एक वुमेन को कितना टाइम लगेगा, 88 डेज का डबल, ये तो सबको समझ में आया होगा,
दो आदमी किसी काम को एक दिन में कर पा रहा है, तो एक आदमी उस काम को कितने दिन में कर पाएगा? 2 दिन में। ठीक है, इसी तरीके से अपन 3 बॉयज को टाइम कितना लग रहा है? 88 डेज। तो 1 बॉयज को कितना टाइम लगेगा? 88 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, ये बात सबको समझ में आई? ठीक है, अब इसमें से मैं ये मिटा देता हूँ। ठीक है, और ये मिटा दिया मैंने। ठीक है, तो अपने पास क्या बचा? 1 वुमेन को कितना टाइम लग रहा है? 88 इंटू 2। और 1 बॉय को कितना टाइम लग रहा है? 88 इंटू 3। यहाँ से इनका तीनों का एलसीएम ले लेते हैं अपन। तीनों का एलसीएम क्या जाएगा? 88 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, ये इनका एलसीएम आ गया। यहाँ से एफिशिएंसी की अगर मैं बात करूँ, एफिशिएंसी की, तो 88 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ से बचेगा 6, इसको डिवाइड करेंगे तो बचेगा 3, और इसको डिवाइड करेंगे तो बचेगा 2। ये आ गया इनकी एफिशिएंसी का रेशो। अब क्या करना है? बस टोटल काम करवाना है। टोटल काम कितना आएगा? 88 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ये अपना टोटल काम है, और यहाँ से एफिशिएंसी का टोटल देखें अपन तो क्या आ रहा है? 6 3 9 2 11, 11 आ गया। और 11 8 जा 88 हो गया। इधर से आ गया 8 2 जा 16, 16 3 जा 48। कितना टाइम लग रहा है उनको? 48 दिन लग रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 158 है आपके सामने। इसमें क्या बोल रहा है कि 6 मैन एंड 8 वुमेन कैन डू अ वर्क इन 10 डेज। ठीक है, देन 3 मैन एंड 4 वुमेन कैन डू द सेम वर्क। देखिए यहाँ पे 6 मैन थे, आधे हो गए मैन, 3 मैन बची, और 8 वुमेन थी, वो भी आधे हो गए, बची 4 वुमेन। तो इनको टाइम कितना लग रहा था? 10 डेज। तो अब टाइम लगेगा 20 डेज। ये तो अपन देख के ही बता सकते हैं, बाकी इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो बता देता हूँ मैं आपको। देखिए 6 मैन प्लस 8 वुमेन को टाइम लग रहा है कितना? 10 डेज। ठीक है, तो बराबर होगा क्या? 3 मैन प्लस 4 वुमेन को जितना भी टाइम लगेगा उसके बराबर। ठीक है, यहाँ से क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे कर देता हूँ 2 का मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। ये तो कर ही सकते हैं अपन किसी भी साइड। ठीक है, इस 2 से ये कट गया, ये बचा 3, और इधर ये 4 कट गया, बच गया। ठीक है, इधर से आ गया अपने पास 3m+4w मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल टू आ गया 3m+4w मल्टीप्लाई बाय d। और यहाँ से कंपेयर करने पे मुझे पता चल रहा है कि d की वैल्यू कितनी है? 20। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 159 है आपके सामने। इसमें क्या बोल रहा है कि 10 मैन और 20 वुमेन और 40 चिल्ड्रन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 7 मंथ। मतलब 10 आदमी किसी काम को करें तो कितने दिन में कर सकते हैं? 10 मैन कितने दिन में कर सकते हैं? 7 मंथ में। अच्छा, तो एक मैन से अपन को करवाना है तो कितना टाइम लगेगा उसको? 7 इंटू 10। ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाता है। उसी तरह अपन वुमेन की बात करें तो वुमेन कितने टाइम में करेंगे? ठीक है, 7 मल्टीप्लाई बाय 20। और मैन के चिल्ड्रन कितने में करेंगे? चिल्ड्रन करेंगे 7 मल्टीप्लाई बाय 40। ठीक है, ये आ गए तीनों का वर्क का टाइम। ठीक है, यहाँ से इनकी एफिशिएंसी अगर अपन निकालें तो ये हो जाएगी 7 इंटू 40। ठीक है, ये 10 कट जाएगा, 7 10 बचेगा 4। यहाँ से 7 22 जब 40 होता है तो बचेगा 2, और यहाँ से ये कट जाएगा 1। ये आ गई इनकी एफिशिएंसी। अब क्वेश्चन में अपन से क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला क्या है कि 5 मैन 5 वुमेन एंड 5 चिल्ड्रन टुगेदर कैन डू द हाफ ऑफ द वर्क। ठीक है, तो पहले तो वर्क ऑफ का हाफ निकाल लेते हैं। वर्क का हाफ कितना हो जाएगा? डिवाइडेड बाय 2 कर दो यहाँ से। ठीक है, अब ये करना किसको है? 5 मैन को। ठीक है, 5 मैन की एफिशिएंसी कितनी है? 4। तो 5 4 जा प्लस 5 वुमेन को करना है, वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है? 2। तो 5 2 जा प्लस 5 चिल्ड्रन को करना है, और चिल्ड्रन की एफिशिएंसी कितनी है? 1। तो 5 बन जा 5 ही होता है ना। यहाँ से ये कट जाएगा कितना? 20 7 मल्टीप्लाई बाय 20 आ रहा है, और यहाँ से आ रहा है अपने पास कितना? 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, और 5 तो 20 प्लस 30 प्लस 5 35। ठीक है, ये कट जाएगा 7 5 जा 35, और 5 4 जा 20। तो कितने मंथ लगेंगे उनको? 4 मंथ लगेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 160 है आपके सामने। इसमें क्या बोल रहा है? 4 मैन और 6 वुमेन। ठीक है, और लगा मतलब बीच में इक्वल टू आता है। ठीक है, कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज वर्किंग 7 आवर्स। ठीक है, 12 डेज वर्किंग 7 आवर्स। यहाँ से क्या आ जाएगा अपने पास? इनकी एफिशिएंसी का रेशो कितना? 4 2 जा 2 4 जा 2 3 जा। ठीक है, 12 और 7 से 12 और 7 कट जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा m/w = 3/2।
ये आ गया इनकी एफिशिएंसी का रेशो। अब अपन से क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि हाउ मैनी डेज विल इट टेक टू कंप्लीट द ट्वाइस एज लार्ज विद 10 मैन एंड 3 वुमेन। ठीक है, 10 मैन को काम करवाना है प्लस 3 वुमेन को काम करवाना है, ठीक है, और 8 आवर्स आ डे काम करवाना है, ठीक है, कितने दिन लगेंगे ये अपन को बताना है। वर्क कितना करना है, वर्क करना है ट्वाइस ऑफ दिस वर्क, ठीक है, तो कितना वर्क, 4 मैन 12 घंटे में, 12 दिन में 7 घंटे काम करके कर पा रहा है। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं अपन, एम की वैल्यू कितनी है 3, डी की कितनी है, डब्ल्यू की है 2, एम की कितनी है 3, ठीक है, इसको करते हैं मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 10 3 जा 30 प्लस 3 2 जा 6, ठीक है, इंटू 8 इंटू डी बराबर, इधर से आएगा 4 3 जा 12, ये 2 है, ये 12 है, ये 7 है, ठीक है, ये 8 कट जाएगा इससे 2 से 4, और इस 4 से ये कट जाएगा 12 कितने टाइम, 3 टाइम्स, और यहाँ से कितना आ जाएगा 36, ठीक है, तो अपने पास क्या आ गया 36 डी बराबर, यहाँ से बचा 3 इंटू 12 इंटू 7, ठीक है, और 12 3 जा कितने होते हैं 36, तो ये 36 से 36 कट गया, डी बराबर क्या आ गया अपने पास 7, ठीक है, कितने दिन लगेंगे उनको, 7 डेज लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 161 है आपके सामने, इसमें क्या बोल रहा है कि अ मैन अ वुमेन एंड अ बॉय टुगेदर फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज, ठीक है, मतलब मैन प्लस वुमेन प्लस बॉय किसी काम को कर सकते हैं कितने दिन में, 6 दिन में, ठीक है, अ मैन अ बॉय मतलब मैन और वुमेन उस काम को कर सकते हैं कितने दिन में, मैन कर सकता है 10 दिन में और वुमेन कर सकती है 24 दिन में, ठीक है, यहाँ से निकाल लेते हैं अपन एलसीएम, एलसीएम निकाल लेते हैं, एलसीएम क्या आ जाएगा 6 4 जा 24 और 5 2 जा 10 होते हैं, 5 का और मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, यहाँ 6 4 5 जा 20 इसकी एफिशिएंसी आ गई, यहाँ से 4 5 2 जा 10 बचा 6 2 जा 12 12 इसकी एफिशिएंसी आ गई, और 6 4 जा 24 बचा 5 इसकी एफिशिएंसी आ गई, ठीक है, अब अपन से क्वेश्चन में आगे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन आगे बोल रहा है द डेज टेकन बाय अ बॉय टू फिनिश द वर्क, तो उसके लिए अपन को चाहिए बॉयज की एफिशिएंसी, ठीक है, अब मैन वुमेन और बॉय तीनों की टोटल मिला के एफिशिएंसी कितनी है 20, तो मैन की एफिशिएंसी कितनी है 12, वुमेन की कितनी है 5, इससे अपन बॉय की निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, अगर 20 में से इन दोनों की एफिशिएंसी को माइनस कर दें, अगर टोटल में से इसकी एफिशिएंसी को माइनस कर दें तो किसकी बचेगी, बॉयज़ की, ठीक है, 20 माइनस 70 करेंगे, 20 माइनस 17 करेंगे कितना बचेगा 3, 3 किसकी एफिशिएंसी आ गई, बॉय की एफिशिएंसी आ गई, टोटल वर्क क्या है, टोटल वर्क है 6 इंटू 4 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 3, ये आ गया टाइम, 3 2 जा 6 होता है, यहाँ से आ गया 2 4 जा 8 और 8 5 जा 40, कितने दिन लगेंगे बॉयज़ को काम करने में, 40 डेज, आसान सी बात थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 162 है आपके सामने, इसमें क्या दिया कि अ मैन इज ट्वाइस फास्ट एज अ वूमेन एंड अ वूमेन इज ट्वाइस फास्ट एज अ बॉय, ठीक है, अगर मैं नीचे शुरू करूँ बॉय वूमेन और मैन, ठीक है, बॉय की एफिशिएंसी को अगर 1 मान लूँ तो वूमेन की कितनी हो जाएगी 2, क्योंकि बॉय से दुगना तेज हैगी वूमेन, और वूमेन से दुगना तेज कौन है मैन, तो मैन की एफिशिएंसी हो जाएगी 4। अब क्वेश्चन में आगे दिया अपन को कि इफ ऑल ऑफ देम अ मैन अ वूमेन एंड अ बॉय कैन फिनिश द वर्क इन 7 डेज, मतलब ये तीनों मिलके किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं 7 दिन में, ठीक है, इन तीनों की एफिशिएंसी का टोटल कितना आ रहा है 4 3 7, तो किसी काम को 7 दिन में तीनों मिलकर कर सकते हैं 7 की एफिशिएंसी से, उसी काम को किसको करना है, हाउ मैनी डेज अ बॉय ड्यू इट अलॉन, बॉय की एफिशिएंसी कितनी है 1, 1 की एफिशिएंसी से उसको करने में कितने टाइम लगेंगे 49 डेज, आसान सी बात थी ये तो, है ना, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 163 है आपके सामने, इसमें क्या बोल रहा है कि 1 मैन 2 वुमेन एंड 3 बॉयज़ कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 132 डेज, ठीक है, 1 मैन किसी काम को कितने दिन में कर रहा है 132 डेज में, एक बात ये हुई, अच्छा 2 वुमेन किसी काम को कर रही है कितने दिन में 132 डे में, ठीक है, तो 1 वुमेन कितने उसी काम को कितने दिन में करेगी इसी का दोगुने टाइम में, क्योंकि 2 लोग किसी काम को 1 दिन में कर रहे हैं, तो एक आदमी उसी काम को कितने दिन में करेगा 2 दिन में, ठीक है ना, मैन पावर अगर आधी हो जाती है तो टाइम ऑफ वर्क बढ़ जाता है, ठीक है, उसी प्रकार 3 बॉयज़ हैं,
बॉयज़ कर रहा है तो ये कितने दिन में कर रहा है, 132 दिन में। अगर मैं 3 बॉयज़ की जगह हटा दूँ, 1 बॉय की बात करूँ, तो ये इधर आ जाएगा 3। ठीक है, इनको सही कर देता हूँ। ये आ गया अपने पास तीनों का इंडिविजुअल टाइम। अब यहाँ से निकालते हैं अपन एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा, 132 है अपने पास, 2 है अपने पास और 3 है अपने पास, ये एलसीएम आ गया। एफिशिएंसी की अगर मैं बात करूँ तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 2 3 6। इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 132, ये चला गया, बचा 3, ये 3, और इसमें ये चला जाएगा, बचेगा 2। ये आ गया इन तीनों की एफिशिएंसी। अब अपन से क्वेश्चन में बोला है कि वन मैन वन वूमेन एंड वन बॉय विल डू इट। ठीक है, तीनों मिलकर कितने दिन हो जाएंगे, 6 3 9 और 2 11। 11 की एफिशिएंसी इस काम करना है, टोटल वर्क कितना, 1532 × 2 × 3। ठीक है, ये कट जाएगा, 11 वन जा 11, 11 टू जा 22। ठीक है, ये हो जाएगा, और 12 × 2 = 24, 24 × 3 = 72। आंसर क्या आ जाएगा अपना, 72 डेज लगेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 164 है आपके सामने। इसमें क्या बोल रहा है कि 3 मैन और 7 वुमेन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 32 डेज। मतलब 3 मैन उसी काम कितने दिन में कर रहे हैं, 32 दिन में, और 7 वुमेन उसी काम कितने दिन में कर रहे हैं, 32 दिन में। यहाँ से अपने पास मैन और वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा क्या, 32 से 32 कट गया, ये आ जाएगा M/W बराबर 7/3। ठीक है, ये आ गया इनकी एफिशिएंसी का रेशियो। अब क्या करना है, अब क्वेश्चन में आगे पढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू 7 मैन, ठीक है, 7 मैन ले लिए अपन ने, प्लस 5 वुमेन ले ली, टू डू द अ पीस ऑफ वर्क ट्वाइस एज लार्ज। मतलब इस काम का दोगुना काम करना है, तो नंबर ऑफ डेज बताने। ठीक है, काम का दोगुना करना है, पहले 200 मल्टीप्लाई कर दिए, फिर काम है अपने पास 3M जो 32 दिन में कर पा रहे हैं, ये काम है। ठीक है, इसका दोगुना करने के लिए 200 मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करना है, बस वैल्यू पुट करना है। एम की वैल्यू कितनी है अपने पास, एम की 7 है, ठीक है, डब्ल्यू की 3 है, इधर एम की 7 है, एम की 7 है। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, 7 7 जब हो जाएगा 49, प्लस 5 3 15 इंटू डी इक्वल्स टू, यहाँ से आ जाएगा कितना, 2 × 37 जब 21 × 32। ठीक है, ये हो जाएगा 49 + 15 = 64 × D, प्लस ये कट जाएगा 2 × 21 × 32। ठीक है, और 32 से ये कट जाएगा 2 टाइम्स, और ये 2 से 2 कट जाएगा, तो D बराबर अपने पास क्या आ जाएगा, 21। मतलब कितने दिन लगेंगे उनको, 21 दिन लगेंगे उस काम को पूरा करने में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 165 है आपके सामने। इसमें क्या बोल रहा है, वन मैन और 2 वुमेन और 3 बॉयज़ कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 44 डेज। मतलब एक आदमी बराबर 2 वुमेन बराबर 3 बॉयज किसी काम को कर सकते हैं 44 डेज में। मतलब इनकी एफिशिएंसी का रेशियो यहाँ से अगर निकालूँ मैं, तो M/W क्या आ जाएगा, 2/1। ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा W/B बराबर 3/2। अब अपन को W को दोनों जगह सेम बनाना है, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो M/W यहाँ से आ जाएगा कितना, 6/3। अब W यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो अपन लिख सकते हैं तीनों की एफिशिएंसी, एम की एफिशिएंसी है 6, W की एफिशिएंसी है 3 और B की एफिशिएंसी है 2। ये आ गए तीनों की एफिशिएंसी। अब क्या बोल रहा है अपन से कि द सेम पीस ऑफ वर्क विल बी डन बाय वन मैन वन वुमेन एंड वन बॉय। ठीक है, सेम पीस ऑफ वर्क, तो वर्क कितना है अपना टोटल, देखिए वर्क है अपना वन मैन, मैन की एफिशिएंसी है 6, कितने दिन में कर रहा है, 44 दिन में। उसको करना किसको है, ये तीनों को मिल गए, तो कितनी की एफिशिएंसी हो जाएगी, 6 3 9 और 2 11, 11 की एफिशिएंसी करना है, तो कितने दिन हो जाएंगे, 11 4 = 44 और 4 6 = 24। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 166 है आपके सामने। इसमें क्या बोल रहा है कि 8 children and 12 men कैन कम्प्लीट अ सर्टेन पीस ऑफ वर्क इन 9 डेज। मतलब 8 children + 12 men, ठीक है, कंप्लीट कर सकते हैं किसी वर्क को कितने दिन में, 9 डेज में। उसके बाद क्या बोल रहा है, ईच चाइल्ड टेक्स ट्वाइस टाइम टेकन बाय अ मैन टू फिनिश अ वर्क। इस लाइन का मतलब क्या है कि अगर मैन की एफिशिएंसी को मैं 2 मान लूँ, तो इसकी आधी एफिशिएंसी किसकी होगी, चिल्ड्रन की होगी, क्योंकि चिल्ड्रन को दुगना टाइम लग रहा है, तो एफिशिएंसी किस कितनी होगी, उसकी आधी होगी। ठीक है, ये लाइन हो गई। अब इससे अपन क्या निकाल सकते हैं, टोटल वर्क निकाल सकते हैं, एफिशिएंसी पुट कर देते हैं यहाँ पर, चिल्ड्रन कितनी है, 1 है, और ये मैन की 2 है, तो ये हो जाएगा 8 1 = 8 और 12 2 = 24। ठीक है, × 9, और इनको प्लस करेंगे, 8 24 कितना हो जाएगा, 32 × 9, ये आ गया अपने पास टोटल वर्क। अब इसको करना किसके द्वारा, हाउ मैनी डेज विल 12 मैन फिनिश द सेम वर्क। ठीक है, 12 मैन को फिनिश करना है, 12 मैन की एफिशिएंसी कितनी है, मैन की एफिशिएंसी है 2। ठीक है, बस हो गया सॉल्व, इसको काटो, ये कितना बचा, 16
फोर जे 16 होते हैं, 4 3 जे 12 होता है, 3 3 जे 9 होता है, क्या आ गया अपने पास 4 × 3, ये क्या होता है 12। कितने दिन लगेंगे उनको, 12 डेज लगेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 167 है आपके सामने, इसमें क्या बोल रहा है, 12 मैन एंड 16 बॉय, मतलब 12 मैन प्लस 16 बॉय किसी काम को कर सकते हैं कितने दिन में भैया, 5 दिन में। ठीक है, और 13 मैन एंड 24 बॉयज़, सो 13 मैन, ये क्या 16 बॉयज़ है, ठीक है 13 मैन प्लस 24 बॉयज़ उसी काम को कर सकते हैं कितने दिन में, 4 दिन में। तो अपन से पूछा क्या, अपन से पूछा देन द रेशियो ऑफ द डेली वर्क डन बाय बॉय एंड मैन। ठीक है, मतलब एफिशिएंसी पूछी है अपन से, तो एफिशिएंसी निकालना बहुत आसान है, यहाँ से इनको मल्टीप्लाई कर दो, 12 5 60 m + 16 5 80 b 80 b, यहाँ से आ जाएगा कितना, 13 4 52 m, और 24 4 4 4 16 4 2 8 और 9 96, ठीक है 96 b। ठीक है, अब क्या करेंगे इसमें से, इसको माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा कितना 8 m, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ से बचेगा 16 b, और ये कट जाएगा कितना 8 2 जो 16, तो अपने पास b अपॉन m क्या आ जाएगा, b अपॉन m आ जाएगा 1/2। अपन से पूछा क्या है, मैन टू द बॉय, ठीक है मतलब m अपॉन b पूछा है अपन से, तो इसका रिवर्स हो जाएगा कितना 2/1, कौन से ऑप्शन में, पहले ऑप्शन में, यही अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 168 है आपके सामने, इसमें क्या बोल रहा है कि 20 वुमेन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज, मतलब 20 वुमेन किसी काम को कर सकती हैं कितने दिन में, 16 दिन में, और क्या कर बोल रहा है, 16 मैन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 15 डेज, ठीक है 16 मैन कर सकते हैं उसी काम को कितने दिन में, 15 दिन में। अपन से पूछा क्या, अपन से पूछा द रेशियो बिटवीन द कैपेसिटी ऑफ मैन एंड वुमेन, ठीक है मतलब उनकी एफिशिएंसी के बारे में पूछा है। देखिए कैसे निकालेंगे, यहाँ से अपन को पता चल रहा है कि 20 वुमेन किसी काम को 16 डेज में कर रहे हैं, तो एक वुमेन किस उसी काम को कितने दिन में करेंगे, 16 मल्टीप्लाई बाय 20, ठीक है, और यहाँ से इसी प्रकार से अपन एक मैन की निकाल सकते हैं, मैन की क्या हो जाएगी 15 मल्टीप्लाई बाय 16, ठीक है। अब पूछा गया अपन से, ये मैन है ठीक है, पूछा गया अपन से मैन अपॉन वुमेन, ठीक है तो मैन अपॉन वुमेन रख दो, यहाँ जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाय 20 अपॉन 15 मल्टीप्लाई बाय 16, ठीक है ये 16 से 16 कट गया अपना, 16 से कट गया 16, और ये 5 3 जब 15 होता है, 5 4 जब 20 होता है, तो रेशियो क्या आ गया अपने पास, 4/3, मतलब 4:3, कौन से ऑप्शन में दिया है, सेकेंड ऑप्शन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 169 है आपके सामने, इसमें क्या बोल रहा है कि 18 मैन और 36 बॉय, मतलब 18 मैन या फिर 36 बॉय, दोनों में से कोई भी हो सकता है, 6 आवर्स काम करें तो 24 दिन में खेत को प्लाव कर सकते हैं, ठीक है 6 आवर्स काम करें तो 24 दिन में खेत को प्लाव कर सकते हैं, यहाँ से मैन और बॉय की एफिशिएंसी का रेशियो हो जाएगा, देखिए 6 24 से 6 24 तो कट ही जाएगा, ठीक है 18 2 जा होता है 36, तो मैन अपॉन बॉय आ गया अपने पास क्या, 2/1, ये आ गया इनकी एफिशिएंसी का रेशियो। अब अपन से क्या पूछा है, इन हाउ मैनी डेज विल 24 मैन 24 बॉयज कंप्लीट द वर्क इन 9 आवर्स पर डे प्लाउ सेम फील्ड, ठीक है 24 मैन है और 24 ही बॉयज हैं, ठीक है इनको करना है क्या करना है, 9 आवर्स पर डे वर्क करना है, डे बताना है अपन को कितने दिन में काम को कंप्लीट करते हैं, काम क्या अपने पास, काम है अपने पास 18 m, जो 6 डेज में कर 6 आवर्स काम करके 24 डेज में कर पा रहे हैं, ठीक है ये टोटल काम है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए यहाँ से पहले मैं ले लिया 24 कॉमन, ठीक है और m और b को प्लस करने पर कितना आ रहा है 3, तो ये आ गया 3 × 9 × d, ये आ गया इधर से 18 और m की वैल्यू क्या है अपने पास, m की एफिशिएंसी है 2, ठीक है × 6 × 24, अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना, काटना है, ठीक है ये 24 से 24 कट गया, ठीक है ये 9 2 जा 18 हो गया और 3 2 जा 6 हो गया, ठीक है ये 3 नहीं ये डी है सॉरी, ये है अपने पास क्या डी, ये डी है, तो यहाँ से डी की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, डी की वैल्यू आ गई 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 आ गए, कितने दिन लगेंगे उनको, 8 दिन लगेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 170 आपके सामने, इसमें क्या बोल रहा है कि 3 मैन एंड 5 वुमेन कैन डू अ वर्क इन 14 डेज, ठीक है 3 मैन काम कर रहे हैं और 5 वुमेन दोनों साथ में काम कर रहे हैं, कितने दिन में कर देंगे काम को कंप्लीट, 14 दिन में, और क्या बोल रहा है
वाइल 5 मैन कैन डू इट इन 14 डेज। यदि 5 मैन काम करें तो उस काम को कितने दिन में कर देंगे, 14 डेज में कर देंगे। और यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, मैन और वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो, ये 14 से 14 कट गया। यहाँ से 3 एम उस साइड जाएगा, बचेगा 2 एम, माइनस हो जाएगा, ठीक है। और इधर से आ गया अपने पास 5 डब्ल्यू, ठीक है। यहाँ से मैन और वुमेन की रेशियो एफिशिएंसी का रेशियो क्या आ जाएगा, डब्ल्यू अपॉन एम अगर अपन निकालें तो ये आएगा अपने पास 2/5, ठीक है। ये आ गया अपने पास 2/5। अब क्वेश्चन में आगे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में आगे बोल रहा है कि 5 मैन एंड 5 वुमेन कैन कम्प्लीट द वर्क इन, ठीक है। 5 मैन और 5 वुमेन की बात हो रही, तो अपन 5 मैन लिख लेते हैं प्लस 5 वुमेन लिख लेते हैं, ये कंप्लीट वर्क कर सकते हैं। डे लिख लेते हैं, कितने डे में वर्क क्या आएगा, वर्क है अपना जो 3 मैन प्लस 5 वुमेन 14 डेज में कर रहे थे, ठीक है। यही तो वर्क आएगा टोटल। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, वैल्यू पुट क्या करेंगे अपन, वैल्यू पुट करेंगे एम की वैल्यू कितनी है, एम की वैल्यू है 5 और डब्ल्यू की वैल्यू है 2, ठीक है। एम की वैल्यू है 5 और डब्ल्यू की वैल्यू है 2, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा अपने पास 5 5 जै 25 प्लस 5 2 जै 10, है ना, इंटू डी इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा कितना, 3 5 जै 15 प्लस 5 2 जै 10 इंटू 14, ठीक है। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 35 इंटू डी इक्वल टू 25 इंटू 14। यहाँ से ये कट जाएगा कितना, 7 2 जै 14 और 7 5 जै 35, और ये 5 से ये 25 कट जाएगा कितने टाइम, 5 टाइम। तो डी बराबर अपने पास क्या आ जाएगा, 5 2 जै 10, कितने दिन लगेंगे उनको, 10 डेज लगेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 171 है आपके सामने, इसमें दिया है क्या, ए अलॉन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज एंड बी अलॉन इन 30 डेज, ठीक है। ए किसी काम कर सकता है ये 20 दिन में, और बी कर सकता है उसी काम को 30 दिन में, ठीक है। दोनों का एलसीएम लेंगे, यहाँ से आ जाएगा 60 23 जै 60 होता है, 32 जै 60 होता है। अब क्वेश्चन में बोला है क्या, दे बिगन टू वर्क टुगेदर दे विल फिनिश हाफ ऑफ द वर्क, मतलब टोटल काम अपना 60 है तो उनको आधा ही काम करना है, आधा काम कितना हो जाएगा 30 काम, और दोनों को साथ में करना है, दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 3 प्लस 2 5, कितने दिन में कर देंगे वो, 6 डेज में कंप्लीट कर देंगे। कौन से ऑप्शन है, 4th ऑप्शन, ठीक है। 172 है आपके सामने, इसमें क्या बोल रहा है, ए डज हाफ एज मच वर्क एज बी इन 3/4 ऑफ द टाइम। देखिए मैंने क्या किया, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में अपन क्या करते हैं, पहले तो करते हैं कि टाइम सेम होना चाहिए, तो अपन पहले टाइम पे कंसंट्रेट करेंगे। देखिए बी के टाइम को मान लिया मैंने कि बी को लग रहा है कि बी 4 दिन काम कर रहा है, बी अगर 4 दिन काम कर रहा है तो ये कितना दिन काम करेगा, 4 का 4/3 3/4 ही बोला है ना, तो 4 का 3/4 4 से 4 कट गया, ये कितने दिन काम कर रहा है, ये 3 दिन काम कर रहा है। अब इनके वर्क का अगर रेशियो देखा जाए, ये आ गया अपना किसका रेशियो, टाइम का, ठीक है। ए अगर 4 दिन काम कर रहा है तो बी 3 दिन काम कर रहा है। अब वर्क की अगर बात करें कि हाफ एज मच एज वर्क, तो आधा काम कर रहा है, अगर बी 2 यूनिट काम कर रहा है तो ए कितनी यूनिट काम कर रहा है, 1 यूनिट, ठीक है। ये बात सबको समझ में आई, ये तो मैंने क्या किया क्वेश्चन की लैंग्वेज को लिख दिया, एक दिया अपन को कि 3/4 ऑफ द टाइम ले रहा है, ठीक है। अगर ये 4 दिन ले रहा है तो ये ले रहा है 3 दिन, क्योंकि 4 का 3/4 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और दूसरी ये बात ये बताई उन्होंने कि हाफ एज मच एज वर्क, ठीक है, अगर वो 2 काम कर रहा है तो ये 1 काम कर रहा है, ये बात सबको समझ में आई। अब क्या करते हैं, अब अपन को बनाना होता है टाइम को सेम, तो टाइम को सेम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी 3 से करना पड़ेगा, यहाँ 4 से किया तो यहाँ भी 4 से करना पड़ेगा, ठीक है। अब अपने नए रेशियो क्या आ जाएंगे, टाइम का रेशियो की अगर मैं बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा, 3/4 जै 12 और 3/4 जै 12, टाइम सेम हो गया अपना, ठीक है। एफिशिएंसी की अगर रेशियो की बात करूँ तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा क्या, 4, ठीक है। अब क्वेश्चन में अपन से क्या बोला, क्वेश्चन में बोला कि इफ टुगेदर दे टेक 18 डेज टू कंप्लीट अ वर्क, मतलब अगर 6 प्लस 4 की एफिशिएंसी से काम करें तो उनको 18 डेज लग रहा है, ठीक है। लेकिन काम उनको कितना करना है, ये टोटल काम आ गया अपना, ठीक है। इस काम को करना किसको है, बी को, बी को करना है, तो बी की एफिशिएंसी क्या है, बी की एफिशिएंसी है 6 की एफिशिएंसी करना है, ये 6 से कट जाएगा 18 कितने टाइम, 6 से 18 कट गया 3 टाइम्स, ठीक है। और ये क्या आ गया, 10 इंटू 3 30 डेज अपने पास आ गया, मतलब बी को कितने दिन लगेंगे, 30 दिन लगेंगे, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 173 आपके सामने, इसमें क्या बोल रहा है? इसमें बोल रहा है कि ए डज हाफ एज मच एज वर्क बी इन 1/3 ऑफ द टाइम टेकन बाय बी। ठीक है, मतलब कोई बंदा बी है और कोई बंदा ए है, दो बंदे हैं। मैंने मान लिया क्या कि बी 3 दिन तक काम कर रहा है, तो बी के 3 दिन का 1/3 कितना हो जाएगा? 3 दिन का 1/3 हो जाएगा 1, तो ए 1 दिन काम कर रहा है। ठीक है, और हो क्या रहा है कि हाफ वर्क कर रहा है जितना बी कर रहा है, तो बी अगर 2 यूनिट काम कर रहा है तो ए कितना कर रहा है? 1 यूनिट काम। यहाँ से पता क्या चल रहा है कि बी 3 दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है और ए 1 दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है। अब इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, पहले तो अपन इनकी टाइम को सेम बनाते हैं। टाइम को सेम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई। ठीक है, 3 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 3 से मल्टीप्लाई अपन ने किया तो ये कितना आ गया, ए का टाइम आ गया 3 और एफिशिएंसी भी आ गई 3। अब क्वेश्चन में अपन से क्या बोला कि डे टुगेदर टेक 10 days टू कंप्लीट अ वर्क, यदि वो दोनों साथ में काम करते हैं तो उनको कितने दिन लगते हैं? 10 दिन लगते हैं। तो दोनों की साथ में एफिशिएंसी किसकी कितनी हो जाएगी? बी की 2 है, ए की 3 है, 2 + 3 कितना हो जाएगा? 5। कितने दिन लग रहे हैं? 10 days लग रहे हैं। ये आ गया अपने पास टोटल वर्क। अब इसको करना किसको है? द टाइम टेकन बाय बी अलोन टू डू इट, बी अकेले करना है। बी की एफिशिएंसी कितनी है? 2। 2 की एफिशिएंसी से बी करेगा कितने दिन में कर देगा? 5 5 = 25 days। ठीक है, आसान सी बात थी। क्वेश्चन नंबर 174 है आपके सामने, इसमें क्या बोल रहा है? कंपनी एम्प्लॉय 200 वर्कर टू कंप्लीट अ वर्क इन 150 days। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि इफ ओनली 1/4 ऑफ द वर्क हैज बीन डन वाई इन 15 days, मतलब कि 200 वर्कर ने 50 दिन में सिर्फ कितना काम किया? 1/4 ऑफ वर्क किया। ठीक है, अब अपन से क्वेश्चन में आगे क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है कि देन इन ऑर्डर टू कंप्लीट द होल वर्क इन टाइम द नंबर ऑफ एडिशनल वर्कर वाज एम्प्लॉयड। ठीक है, एडिशनल नंबर ऑफ वर्कर अपन को बताना है, तो मैंने मान लिया कि नंबर ऑफ वर्कर कितना हो गया, एडिशनल वर्कर एक्स हो गया, तो 200 + x वर्कर हो जाएंगे। इनको काम कितने दिन में करना है? टोटल काम कितने दिन में करना है? 150 डेज में, जिसमें से 50 दिन तो हो ही चुके हैं, तो बचे कितने? 100 डेज। ठीक है, अच्छा 1/4 काम हो चुका है, 1/4 काम हो चुका है, तो बचा कितना काम है? बचा है 3/4 काम, 3/4 ऑफ W। ठीक है, और W की वैल्यू कहाँ से निकलेगी? W की वैल्यू यहाँ से निकलेगी, इस 4 को मैं अगर इस साइड भेज दूँ तो ये आ गई अपने पास W की वैल्यू, क्योंकि 3/4 ऑफ वर्क आता ना यहाँ पर W। ठीक है, इस W की वैल्यू कहाँ से निकलेगी? 3/4, W की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, ये क्या जाएगा? 4 × 200 × 50। ठीक है, इस 4 से ये 4 कट जाता, ठीक है, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाती, और यहाँ से आ जाता कितना? 3 × 2 = 6 और 5 = 30, 300। ठीक है, और 300 200 + x आ जाता, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाती? ये 200 300 में माइनस हो जाता, तो x की वैल्यू हो जाती 100, मतलब उन्हें 100 वर्कर और चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 175 है आपके सामने, इसमें क्या बोल रहा है कि 25% कैन कंप्लीट अ वर्क इन 60 डेज, मतलब 25% किसी काम कर सकते हैं कितने दिन में? 60 दिन में। ठीक है, ये बात आ गई अपने पास। अब क्या बोल रहा है? दे स्टार्ट वर्क, उन्होंने काम स्टार्ट किया और 10% लेफ्ट वर्क आफ्टर एक्स डेज, मतलब टोटल 25% ने कितने दिन तक काम किया? एक्स दिन तक काम किया। ठीक है, इसको लिख लूंगा मैं 25 × x, प्लस प्लस क्या होगा कि द होल वर्क बस कंप्लीटेड इन 80 डेज। ठीक है, होल वर्क कंप्लीट कितने दिन हुआ? 80 दिन में। और क्या हुआ, एक्स दिन के बाद क्या हुआ कि 10% छोड़ के चले गए, 10% छोड़ के चले गए, बचे कितने? 15%। और इनने काम कितने दिन किया? तो 80 − x डेज, क्योंकि एक्स डेज तो हो चुके हैं ना, तो 80 − x डेज अपन को दिया होल वर्क बस कंप्लीटेड इन 80 डेज। ठीक है, यहाँ से आ गया अपने पास टोटल वर्क क्या है? 25 − 60। ठीक है, ये कट जाएगा क्या? 25 5 5 = 25 5 3 = 15 और 5 5 = 25। ठीक है, यहाँ से आ गया अपने पास 5x प्लस ये 3 का 80 मल्टीप्लाई होगा 24, तो 240 − 3x इज इक्वल्स टू आ गया 5 6 = 30 300। ठीक है, यहाँ से आ गया 2x इक्वल्स टू ये 240 माइनस हो जाएगा 300 में, बचेगा कितना? 600 और 60 बचेगा, सॉरी 60 बचेगा, और x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? 30। ठीक है, मतलब उनने कितने दिन काम किया?
या अपन से एक्स की वैल्यू पूछे तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।